मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। ऐसम राशिद की अदबी दुनिया में आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वकील अख्तर की दूसरी गज़ल की तशरीह, और पेश करता हैं जनाब सैयद हसन साहब। तो फिर मिलते हैं अगले पड़ाव में, जिसका उन्वान है नज़में जो आपके निसाम में शामिल है इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप वकील अख्तर साहब की पहली गज़ल को आपने समझा, उसकी तशरीह समझ में आई होगी। आइए वकील अख्तर साहब की दूसरी गज़ल, जो ज़रा इसका जो इसके मिसरे जो हैं पहली गज़ल के मिसरों से ज़रा बड़े हैं, बड़ी बहर में ये मिसरे हैं। और यहाँ भी देखिए तजर्बात का निशोड़ है। वकील अख्तर साहब का दूसरा कलाम पेश खिदमत है, मतला है। कहते हैं बुझा भी जाए कोई आके आंधियों की तरह। आंधी माने तूफान, झक्खड़। आप जानते हैं तूफान हो या झक्खड़ हो या आंधी हो, तमाम चीज़ों को तहोबाला कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, नीस्त नाबूद कर देती हैं। बुझाना के माने चिराग बुझाना। बुझा भी जाए यानी जिंदगी गुल कर जाए। बुझा भी जाए कोई आके कैसे बाशन, कोई मखसूस नहीं है। बुझा भी जाए कोई आके आंधियों की तरह, कि जल रहा हूं कई युग से मैं दियों की तरह। दिया कहते हैं चिराग को, जल रहा हूं, ये वो मैं वो चराग हूं जो बरसों से जल रहा हूं, कई युग से जल रहा हूं। अब जीने की तमन्ना नहीं है, जिंदगी के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां जिंदगी खुद एक बोझ महसूस हो रही है। और अब खत्म किस्सा करना चाहता हूं जिंदगी का, इसीलिए ये तमन्ना कर रहे हैं। बुझा भी जाए कोई आके आंधियों की तरह, कि जल रहा हूं कई युग से मैं दियों की तरह। अब सहन नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होती, अब मादा नहीं है बर्दाश्त करने का, बस अब चल चलाओ का मामला है। किसी भी सूरत से मेरा खात्मा हो जाए, इस जिंदगी ने तो मेरी जिंदगी को अजाब में झोंक दिया। शायर परेशान हो गया, वो शख्स परेशान हो गया है, ये जिंदगी इसमें हलावत नहीं है। ये जिंदगी पल पल हमारी मौत के करीब हो रही है, और इस परेशानी में बस यही ख्वाहिश है और जिंदगी जीना नहीं चाहते, ये जिंदगी का सिलसिला यहीं खत्म हो जाए और मौत के करीब हो जाए। इसीलिए शायर ये तमन्ना कर रहा है, बुझा भी जाए, ये आजिज हो गया, परेशान हो गया शायर। बुझा भी जाए कोई आके आंधियों की तरह, कि जल रहा हूं, यहां जल रहा हूं माने मुसीबतें झेल रहा हूं। जाहिर है चिराग तो जलता है, यहां जलने से मुराद मानवी माने क्या लिया, मैं मुसीबतों को झेल रहा हूं, कि जल रहा हूं कई युग से मैं दियों की तरह। युग एक मखसूस पीरियड होते हैं, 10 साल, 15 साल, 12 साल, मैं पता नहीं कितने साल जल रहे, कितने साल से मैं परेशानियों में मुबतला हूं, लेकिन उसका हल तो नहीं है। इसलिए अब यही जी चाहता है कि जिंदगी का खात्मा हो जाए। इसीलिए शायर ने अपने मतलब में फरमाया बुझा भी जाए कोई आके आंधियों की तरह, कि जल रहा हूं कई युग से मैं दियों की तरह। दिया की जमा है उर्दू दियों की तरह, और आंधी की जमा है आंधियों, उर्दू जमा है। आइए जरा दूसरे शेर की तरफ देखिए, और देखिए इत्तफाक ये है कि यहां भी एक नहीं दो दो मतले हैं। अब ये सानी मतला है। देखिए वो दोस्तों की तरह है ना दुश्मनों की तरह, वो दोस्तों की तरह है ना दुश्मनों की तरह, मैं जिसको देख के हैरान हूं आईनों की तरह। आईना कहते हैं मिरर को, पता नहीं जिस शख्स से मैं मिल रहा हूं वो मुझे दोस्त भी नहीं दिखता और दुश्मन भी तो नहीं दिखता, तो उसकी हैसियत
एक आईने की तरह है, वो मुझे अपना, वो मेरा रुख दिखा रहा है, मेरा चेहरा दिखा रहा है, मेरी हकीकत को आया कर रहा है। वो दोस्तों की तरह है ना दुश्मनों की तरह, वो मेरे, मैं जिसको देख के हैरा हूं, हैरा हूं मैंने हैरत में पड़ गया, मैं जिसको देख के हैरा हूं आईनों की तरह, आईनों की तरह मैं देख के हैरा हूं। वो दोस्तों की तरह है ना दुश्मनों की तरह, मैं जिसको देख के हैरा हूं आईनों की तरह। तो गया वो मुझे मेरी हकीकत को वाजा कर रहा हो, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो दिखा रहा है मुझे। हम हैं किस में, हमारी हकीकत दिखा रहा है। इंसान को जब उसकी सफाई देनी होगी कि भाई तुम कैसे हो, तो वो अपनी खूबियां बयान करेगा, खराबी नहीं बयान करेगा। लेकिन एक आईना ही सच्चा होता है जो उसकी सच्चाई दिखा देता है कि भाई तुम यहां अच्छे हो और यहां तुम बुरे हो। वो दोस्तों की तरह है ना दुश्मनों की तरह, उसे क्या लेना देना, उसे आपकी दोस्ती से भी कोई मामला नहीं, उसे आपकी दुश्मनी से भी कोई मामला नहीं। वो दोस्तों की तरह है ना दुश्मनों की तरह, मैं जिसको देख के हैरा हूं आईनों की तरह। जैसे आईना हैरत में पड़े ना, मैं भी उसी हैरत में, ऐसे इंसान को देख के मैं भी हैरत में पड़ जाता हूं, ये कौन है भाई है? इस हकीकत की सच्चाई दिखाइए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें हमारी हकीकत दिखाते हैं, और वैसे लोगों को देखकर मुझे खुद हैरत होती है। आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारी खामियों पर, हमारी अच्छाइयों पर नजर रखते हैं और हमें दिखाते हैं कि तुम क्या हो। और देखिए ये शेर, देखिए इस गजल, दूसरी गजल का तीसरा शेर जो है, मैं उसको देख तो सकता हूं छू नहीं सकता, मैं उसको देख तो सकता हूं छू नहीं सकता, छू मैंने तिलम्स करना, छूना, देख तो सकता हूं, वो मेरे पास भी होता है फासलों की तरह, फासलों की तरह मैंने डिस्टेंस, दूरियां। ये शेर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप भी हमें देख रहे हैं, मैं उसको देख तो सकता हूं, आप हमें देख रहे हैं, हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को छू नहीं सकते, एक दूसरे को गले मिल नहीं सकते, एक दूसरे के करीब हो नहीं सकते, एक दूसरे का हाथ थाम नहीं सकते, लेकिन सब कुछ सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसके हरकत तो सकनात पर भी नजर है। लेकिन देखिए दूरियां कैसी हैं, वो मेरे पास भी होता है फासलों की तरह, मैं उसको देख तो सकता हूं छू नहीं सकता, ये अपने अख्तियार से बाहर है। मैं उसको देख तो सकता हूं छू नहीं सकता, छू माने टच करना, वो मेरे पास भी होता है फासलों की तरह। अब देखिए इस सानी मिसरे में जो अहम बात कही गई है वो ये कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करीब रह के भी बहुत दूरियां बनी रहती हैं, अनजानापन है, बेगानगी है, कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, पता नहीं मैं इंसानों की दुनिया में हूं कि किसकी दुनिया में हूं, रहता तो हूं साथ में लेकिन कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोग समाज से बिल्कुल कट के रहते हैं, एक घर में रहते हैं लेकिन दूर रहते हैं, तो वो जितनी भी करीब रहें उनकी दूरियां उसी तरह बनी रहती हैं, या हजारों किलोमीटर दूरी पर हैं, वो हैं एक छत में के नीचे लेकिन दूरियां कायम हैं, बेगानगी बनी हुई है। मैं उसको देख तो सकता हूं छू नहीं सकता, वो मेरे पास भी होता है, वो मेरे पास भी होता है फासलों की तरह, दूर दूर बैठे इंसान की तरह। तो ऐसा इंसान ला ताल्लुक होता है, वो मेरे पास भी होता है फासलों की तरह। तो इससे अपने आप को जो मुआशरे में हमारी हैसियत है उसको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। इतनी बेगानगी भी समाज के लिए कम से कम मुनासिब नहीं है, इससे इंसान को गुरेज करना चाहिए। इसीलिए शायर ने यह बात कही है अपने शेर में, इस ख्याल को पेश किया है, मैं उसको देख तो सकता हूँ छू नहीं सकता, वो मेरे पास भी होता है फासलों की तरह, दूरियां बनी हुई। और देखिए ये आखिरी शेर में, वो आ भी जाए, क्या अहम बात कही, वो आ भी जाए, वो आ भी जाए तो उसको कहां कहां बिठाऊंगा, वो आ भी जाए, वो माने महबूब, वो आ भी जाए तो उसको कहां बिठाऊंगा, मैंने कहां उसको पनाह दूंगा, कहां उसकी इज्जत अफजाई करूंगा, कहां उसकी खातिरदारी करूंगा, मैं अपने घर में तो रहता हूं बेघरों की तरह, हाँ ये घर है जरूर मेरा, लेकिन इस घर में भी हमें वो घर का सुकून हासिल नहीं है, मेरी हैसियत घर में रहते हुए बेघरों जैसी है।
तो जब मेरी हैसियत बेघरों जैसी है तो अपने महबूब को, अपने अजीज को, अपने और चाहने वालों को मैं कहाँ से अपने घर में जगह दूँ। दरअसल आज का जो माशरा है, आज का जो समाज है, बेघरी का माहौल है। लोग आपको खिला पिला तो देंगे लेकिन रहने को जगह नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं देंगे कि उनके पास जगह की गुंजाइश नहीं है। इसी हकीकत को अस्वीकार किया शायर ने इस आखिरी शेर में, वो आ भी जाए तो उसको कहाँ बिठाऊंगा, कोई जगह ही तो नहीं मुनासिब, मैं अपने घर में तो रहता हूं बेघरों की तरह। वो आ भी जाए तो उसको कहाँ बिठाऊंगा, मैं अपने घर में तो रहता हूं बेघरों की तरह। तो और ये देखिए आखिरी शेर है, आखिरी शेर के बाद जो है मक्ता है, और इस मक्ते में भी बड़ी अहम बात कही है अख्तर साहब ने, वकील अख्तर साहब ने, कि जो कोई जुर्म नहीं जिंदगी तो ऐ अख्तर, जो कोई जुर्म नहीं जिंदगी तो ऐ अख्तर, ये लोग क्यों नजर आते हैं मुजरिमों की तरह। भाई हमने कोई जुर्म नहीं किया है तो हमें उसी हाल में रहना होगा। नेक और पारसा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन नहीं, इनकी आंखों में वो बात नजर आ रही है कि कहीं मुजरिमों वाली कैफियत इनके रवैये से जाहिर हो रहा। ऐसा लगता है कि साजिशी माहौल है, देखते हैं कि मासूम है लेकिन गुनाहों से उनके दामन बचे नहीं हैं। जो कोई जुर्म नहीं जिंदगी तो ऐ अख्तर, ये लोग क्यों नजर आते हैं मुजरिमों की तरफ। अच्छा एक पहलू और है, एक तो यह है कि हम मासूम हैं और हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, और एक यह है कि वाकई हम मासूम हैं लेकिन हालात ने मुझे इस हाल में ला छोड़ा है कि वो कसूर जो मैंने किया नहीं है मुझसे जबरदस्ती कबूल करवाया जा रहा है। ये आज के हालात हैं, देख लीजिएगा, आज मुल्क में ऐसे ही लोगों की तादाद ज्यादा है। उन्होंने कोई खता नहीं की, कोई गुनाह नहीं किए लेकिन मुजरिम करार दे दिए गए। वजह, उन पर दबाव इतना पड़ा, उन पर डराया गया, धमकाया गया। ये पहलू भी शेर से निकलता है, इस मक्ते से, मक्ते से, जो कोई जुर्म नहीं जिंदगी तो ऐ अख्तर, ये लोग क्यों नजर आते हैं मुजरिमों की तरह। उनसे कबूल करवाया गया, अब जाहिर है जब कबूल करवा लिया गया दबाव देकर तो मुजरिम तो करार पा गए ना, लेकिन हकीकत देखा जाए तो वो मुजरिम है नहीं, ये हालात में उनको मुजरिम बना दिए। तो शायर ने तमाम मुशाहिदा जो है उसको अपने शेर में जम कर दिया है, ला दिया है, पेश कर दिया है। बहुत बड़ी बात है, शायर का जो एहसास होता है ना वो बड़ा हसास तबीयत का होता है, इसीलिए उसके अंदर जो वो जो फिक्र है वो शायरी में चली आती है। तो वकील अख्तर ने इनकी दोनों जो गज़लें उन्होंने देखी उनमें यही महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा है जो उन्होंने अपने कलाम में पेश किया है, और बड़े खूबसूरत अंदाज में। उम्मीद है हमारी ये मामूली सी काविश आपके किसी लायक साबित होगी। हमारी दुआ है कि आप कामयाब व कामरान हों। यहाँ तक गज़ल का सिलसिला मुकम्मल हुआ, इंशाल्लाह आइंदा फिर नज़मों का सिलसिला और दीगर जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह पेश करेंगे। खुदा करे कि आप कामयाब व कामरान हों। अस्सलामु अलैकुम।